औद्योगिक नगरी पीतमपुर में विगत कई वर्षों से महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी, परंतु अब तक महाविद्यालय शासकीय हाई स्कूल के 4 कमरों में संचालित होता आ रहा है। महाविद्यालय कक्षाएं भी इन्हीं 4 कमरों में लग रही थी। धार विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कॉलेज भूमि को लेकर विगत वर्षों में कई आश्वासन दिए, परंतु नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब विधिवत महाविद्यालय बिल्डिंग निर्माण का कार्य का पूजन कर भूमि पूजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद खत्री ने बताया कि महाविद्यालय के लिए 2 हेक्टेयर जमीन का आवंटन हो गया है, जो कि पूर्व में वन विभाग की थी, परंतु अब इसका विधिवत आवंटन कॉलेज भूमि के लिए स्वीकृत हो चुका है। आज इस भूमि पर कॉलेज भवन निर्माण का विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ है। कॉलेज भवन बनने के बाद हम सभी विषयों पर शिक्षा देने में सक्षम होंगे। अभी तक हमारे छात्रों को शासकीय हाई स्कूल के बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात है कि हमारे पीतमपुर शहर में महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जो हम सभी के लिए पास में रहेगा और हम आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमको सभी कोर्सेस यहाँ में उपलब्ध होंगे और सारी सुविधा रहेगी यहाँ पर। अभी आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं? अभी हम डाक बंगला कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वो भवन आपके कॉलेज का नहीं है? नहीं है, वो स्कूल का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूजा गौरी। जी सर, बताया आज ये भूमि पूजन का आयोजन है क्या? आज शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर की ओर से मैं डॉक्टर विनोद खत्री प्राचार्य, आज हमारे लिए छात्र छात्राओं के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पीथमपुर जैसे औद्योगिक शहर में शासकीय महाविद्यालय का एक भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है, ताकि कार्य की शुरुआत हो सके और हमें शासन प्रशासन माननीय मंत्री महोदय का सभी का विशेष सहयोग रहा है। ये 2 हेक्टेयर जमीन हमें आवंटित की गई है, जमीन वन विभाग की है, उनसे तमाम हम अनुमतियां हमें प्राप्त हो चुकी है और उनके गाइडेंस में निर्देशानुसार ही यहाँ पर कार्य का प्रारंभ होगा। ये 2 हेक्टेयर जमीन में एक करीब 25 कमरों का लगभग ये कॉलेज बनेगा। इसमें गार्डन की भी व्यवस्था की गई है, छात्र छात्राओं के लिए ऑडिटोरियम की व्यवस्था भी की जाएगी और विभिन्न प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। वर्तमान में महाविद्यालय में बीए बीकॉम के कोर्स संचालित है, शीघ्र ही हम बीएससी का कोर्स और स्नातकोत्तर की कक्षाएँ यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, शोध केंद्र प्रारंभ करेंगे। हमारा यह उद्देश्य है कि यह कॉलेज बड़े स्तर पर संचालित होगा यहाँ पर और पूरे औद्योगिक क्षेत्र की जितनी उद्योग धंधे हैं उन्हें मानव शक्ति की जो आवश्यकता होती है उन्हें मानव श्रम उपलब्ध कराएगा, अच्छे मैनेजर सुपरवाइजर सभी लोग उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉलेज में इस प्रकार के कोर्सेज डिजाइन किए जाएंगे ताकि उद्योग धंधों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। हमारा पूरा प्रयास होगा कि यह पूरा पीथमपुर क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें सभी का विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है, माननीय विधायक महोदय, मंत्री महोदय, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तमाम यहाँ के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तमाम सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनोद खत्री, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर, जिला धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।